Hi folks, Abhinav here from Help Me Health You and welcome to another one of our videos. This video basically we are making our 10-day sugar detox challenge regarding. But before talking about the video, I want to say friends, a doctor's opinion is very important. Medical opinions dena, it's quite important. I would suggest that whatever you suggest to do, before doing all of this, at least आप अपने डॉक्टर पे जाके अपना बेसिक चेकअप जरूर करवा लीजिए, अपना बेसिक ब्लड वर्क करा लीजिए, सो दैट एंड नॉट जस्ट फॉर दिस वीडियो, आई वुड से इन जनरल साल में एटलीस्ट दो बार ही करवा लीजिए, इट्स ऑलवेज गुड. बट एनफ ऑफ दैट, सो द 10-day शुगर डिटॉक्स चैलेंज, बेसिकली मैं इसको ऐसे समझाना चाहता हूँ कि बेसिकली ये हमें क्यों करना चाहिए, शुगर के क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, इसे हम कैसे करेंगे और ये हम सिर्फ 10 दिन के लिए क्यों कर रहे हैं एंड उन 10 दिनों के बाद क्या करना चाहिए हमें. तो दोस्तों, शुगर के नेगेटिव इफेक्ट्स तो बहुत हैं. ओबेसिटी है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन है, देयर आर अ होल बंच ऑफ प्रॉब्लम्स. लेकिन मैंने अभी रिसेंटली एक जर्नल पढ़ा, एक स्टडी पढ़ी, दिस इज़ फ्रॉम द जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन एंड इट्स स्केयर्ड मी. उस स्टडी में, ये एक 15 साल लंबी स्टडी थी जिसमें ये देखा गया कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा शुगर लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो मोटे हों, वो पतले भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा चीनी लेते हैं उनको हार्ट अटैक होने का रिस्क डबल है कंपेयर टू दोज पीपल जो थोड़ी कम चीनी लेते हैं. ज़्यादा फिगर था 25% ऑफ द कैलोरीज ऑफ द डाइट आर फ्रॉम शुगर, कम फिगर था 10%. मतलब अगर 25% कैलोरीज शुगर से ले रहे हैं, सो यू आर एट डबल द रिस्क ऑफ हैविंग अ कार्डियक अरेस्ट. ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है. जो लोग पतले होते हैं उनको भी रिस्क है कार्डियक अरेस्ट होने का. नॉर्मली जो मोटे होते हैं वो तो अवेयर होते ही हैं कि यार यू नो मोटापा है, सो वी आर एट अ रिस्क एंड यू टेक यू नो सर्टन स्टेप्स और एटलीस्ट यू ट्राई, यू आर अवेयर. एक डर होता है, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है व्हाट्स गोना हिट यू, दैट्स स्कैरी. सो we kind of came up with this idea because we care about the people who we care about, you know, the near and dear ones. So humne socha ki ek aisa sugar detox challenge kyun na start kare. Acha, ab ye detox challenge kya hai? Ideally sugar sirf cheeni nahi hota, sugar is also your carbohydrates. Carbohydrates aapko sabziyon mein bhi milte hain, har tarike se milte hain, lekin what we are talking about right now is your biscuits, your cookies, your donuts, your roti, your chawal, it's very difficult. Ideal situation is difficult. मैं आपको बोलूँगा baby steps लें and ज़रूरी नहीं कि आप सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी चाय के कप में चीनी भी छोड़ देते हैं, बिस्किट छोड़ देते हैं साथ में, वो भी एक बहुत बड़ी जीत है. एंड दैट बेसिकली इट इज़ प्लेसिंग यू इन अ पोजिशन, इट्स बेसिकली पोजिशनिंग यू फॉर सक्सेस, यू नो. छोटे छोटे कदम लें, थोड़ा थोड़ा चीनी छोड़िए, हो सके तो एक दिन रोटी छोड़िए. इनफैक्ट छोड़ने की बजाय मैं आपको बताऊंगा क्या ले सकते हैं या मैं क्या लेता हूं. आप एक दिन में कम से कम 2 लीटर पानी पीजिए, एक बड़ा बोल हरी सब्जियों का लीजिए एंड वो खाइए. अगर कच्चा नहीं खाया जाता है, थोड़ा सा पका लीजिए. कॉलीफ्लावर राइस, इट्स ब्रिलियंट, आप कभी ट्राई करिएगा. कॉलीफ्लावर, इनफैक्ट कॉलीफ्लावर को मैश करके भी खा सकते हैं, उबाल के मैश कर लीजिए, थोड़ा सा नमक डालिए, या फिर उसको कद्दूकस करके एंड 1 चम्मच तेल में सौटे करके खाइए. इट्स ओके, इट्स नॉट एग्जैक्टली एज गुड एज अ गोभी का पराठा, बट इट्स नॉट बैड ईदर, इट्स क्वाइट टेस्टी, इट्स क्वाइट डिलिशियस. लेकिन इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, आप फ्रेश वेजिटेबल स्मूदीज बना सकते हैं. अपनी जो मनपसंद सब्जियां हैं उनको डाल के वेजिटेबल स्मूदीज बनाइए. अब यू नो ऐसा भी है कि सब्जियों में भी कुछ हद तक शुगर होती है एंड आई वुड से इवन फ्रूट्स में तो शुगर होती ही होती है, तो फ्रूट्स जहाँ तक अवॉइड करिए. लेकिन अगर आपका मन करता है तो थोड़ा बहुत ले लीजिए, यू नो, हैविंग सम फ्रूट, हैविंग एन एप्पल, उसमें शुगर है, लेकिन इट्स नॉट एज बैड एज यू नो हैविंग आइसक्रीम, इट्स स्टिल क्वाइट गुड. हो सके तो अवॉइड कीजिए. अब ये 10 दिन के लिए क्यों करा है और 10 दिन के बाद क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ. ये चैलेंज जब आप स्टार्ट करेंगे, पहले 2-3 दिन फॉर श्योर मूड ख़राब रहने वाला है. अपने घर वालों को भी बता दीजिए कि 2-3 दिन आपका मूड ख़राब रहेगा, बिकॉज आपको डेफिनेटली एक शुगर क्रेविंग होगी, एक कार्ब क्रेविंग होगी एंड
आपको मन करेगा कि आप जाके खा लीजिए, लेकिन एक दिमाग में ना एक कश्मकश चलेगी, खाऊं तो मन कर रहा है खाऊं, लेकिन खाओगे तो और बुरा लगेगा क्योंकि एक चैलेंज लिया था. सो जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग एंड कोशिश करिए, एंड आई एम श्योर 3-4 दिन बाद जब आपको रिजल्ट्स दिखेंगे एंड यू प्रोबेबली यू लूज अ फ्यू पाउंड्स, आपको अच्छा रहेगा. वेइंग स्केल जरूर रखिएगा अपने पास. हैविंग सेड दैट, 10 दिन के बाद क्या होगा दोस्तों? जो हम रेकमेंड करते हैं, जो मैं और मेरी वाइफ, जो हम जिस रास्ते पे हैं, वी आर फॉर्मिंग अ न्यू लाइफस्टाइल. तो 10 दिन बस ये देखने के लिए है कि क्या आपको इसमें कुछ बेनिफिट्स हो रहे हैं, क्या शुगर आपका, आपकी बॉडी ऐसे अट्यून्ड है कि वो शुगर को अच्छे से मैनेज कर लेती है और आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. यू नो, आई हैव अ गुड फीलिंग कि इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. इट माइट हेल्प यू लूज अ फ्यू पाउंड्स, इट माइट हेल्प यू इम्प्रूव योर स्किन, एंड इट विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर हेल्थ, दैट्स फॉर श्योर. अब किसको कितना फ़र्क पड़ता है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत हैं. तो 10 दिन के बाद आपको ये समझ आएगा कि क्या आप इसको लॉन्ग टर्म चला सकते हैं, क्या आप इसको लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हैं. बेनिफिट्स मिलेंगे तो डेफिनेटली मन करेगा. एंड 10 दिन इज अ वेरी स्मॉल विंडो फॉर वेरी बिग बेनिफिट्स. एनीवेज, ज्ञान काफ़ी हो गया. द होल रीज़न इज कि अभी तो ये 10 दिन चैलेंज करके देखें कैसा लगता है आपको. मैं एंड में बस एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा कि एक डॉक्टर के पास आप जितनी बार जाना चाहते हैं साल में, एंड जिस हालत में जाना चाहते हैं, वो आपके हाथ में है. आप कितना मोटा या कितना पतला होना चाहते हैं, या कितना कॉन्फिडेंट या यू नो वीक फील करना चाहते हैं, वो आपके हाथ में है. इट्स जस्ट योर परसिवियरेंस, योर पेशेंस, आप कितना सेल्फ कंट्रोल रखते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन रखते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है. खैर, ज्ञान काफ़ी हो गया. सो इट्स द 10-day शुगर डिटॉक्स चैलेंज. इस वीडियो पे ज़रूर कमेंट्स करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, या कुछ और टॉपिक्स के बारे में आप बात करना चाहते हैं उसके बारे में बताइए. एंड हमारा जो ग्रुप है फेसबुक पे, हेल्प मी हेल्थ यू, उस पे ज़रूर कमेंट करिए. आप कहाँ हैं अपनी जर्नी में, आर यू स्ट्रगलिंग, और इफ़ यू हैव सम ब्रिलियंट आइडियाज़ दैट यू वॉन्ट टू शेयर विद द ग्रुप, प्लीज़ गो अहेड. वी आर नॉट एक्सपर्ट्स, वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर एडवाइस, एंड इट बी ग्रेट इफ़ यू कैन शेयर समथिंग एज वेल. ऐसे ही ये ग्रुप आगे बढ़ेगा एंड ऐसे ही हम सब हेल्दी होंगे. एनीवेज, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट.